अदम्य शौर्य, बेमिसाल हौसला और वतन की हिफाजत के लिए मर मिटने का जुनून, यही खासियतें भारतीय वायुसेना को सबसे अलग बनाती है। भारतीय वायुसेना की तरकश में ऐसे ऐसे हथियार हैं जो पलक झपकते दुश्मन के खौफनाक मंसूबे को खाक में मिला सकते हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना में एक से बढ़कर एक शानदार विमान शामिल हुए हैं। इसी कड़ी में केंद्र ने 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। इन विमानों को खरीदने में 6,828 करोड़ की लागत आएगी। STT-40 टर्बोप्रॉप विमान है। STT-40 का इस्तेमाल बुनियादी उड़ान ट्रेनिंग, एरोबेटिक्स, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग और कोलाज फॉर्मेशन फ्लाइट्स के लिए किया जाएगा। इसके अलावा नेविगेशन और नाइट फ्लाइंग में इसे सेकेंडरी यूज में लिया जाएगा। गौरतलब है कि इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट में पायलट के चेंज ओवर, हॉट रिफ्यूलिंग और शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम जैसे खास खूबियां हैं। मोदी सरकार शुरुआत से ही विदेशी विमानों की खरीद को तवज्जो दे रही है। उसी के बदौलत तेजस जैसे एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हुए हैं। इसी श्रृंखला में स्वदेशी तकनीक से बने होने के कारण ये विमान कॉन्फिगर करने योग्य होंगे और भविष्य में भारतीय सेना अपनी जरूरतों के मुताबिक इसमें आवश्यक बदलाव कर सकेगी। एसटीटी विमान में लगभग 56% विदेशी पुर्जों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे बढ़ाकर 60% तक किया जाएगा। हॉल इस विमान की एक हथियार युक्त संस्करण विकसित करने की योजना भी बना रहा है, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद रोधी और सीमित हमले के अभियानों में किया जाएगा।